बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इस वक्त मौजूद है जी टी रोड लाला मुसा अहमद पेट्रोलियम के नज़दीक। यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि अली नादर अपनी टीम के हमरा सफाई सुथराई का काम जो सा है वो करवा रहे थे। इनसे मैं पूछता हूँ कि आज लाला मुसा शहर में क्या कोई मिनिस्टर आ रहा है या कोई वी आई पी शख्सियत आ रही है जिसके लिए इतनी सफाइयाँ हो रही हैं? उस तरफ हम नज़र मारते हैं तो उस तरफ भी मतलब है कि बल्दिया का अमला सफाइयाँ करा रहा है। इस तरफ हम आए हैं तो इस तरफ भी बल्दिया का अमला सफाइयाँ करा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि सफाई कराना चाहिए और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें और हमारा हमें इसमें बल्दिया के साथ मिलजुल कर काम भी करना चाहिए, उनको मशवरे भी देने चाहिए और उनके साथ चलना भी चाहिए। आइए बात करते हैं सेंट्रल इंस्पेक्टर अली नादर से कि वो क्या कहते हैं इस मौजू पर। जी अस्सलाम वालेकुम जोई साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मेहरबानी शुक्रिया। हम तो वैसे ये रूटीन के मुताबिक सफाई करवा रहे हैं, ना कोई मिनिस्टर आ रहा है ना कोई और बंदा आ रहा है। वैसे रूटीन के मुताबिक सीईओ साहब और एडमिनिस्ट्रेटर साहब की हिदायत के मुताबिक जो है वो जीटी रोड को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, दरख्तों पर पेंट भी करवा रहे हैं, डिवाइडर से मट्टी भी उठवा रहे हैं और इसे साफ भी कर रहे हैं। लाला मुसा को इंशाल्लाह खूबसूरत बनाएंगे। जो ये आप करा रहे हैं काम, ये मुझे बताइएगा कि ये तो काफ़ी मिट्टी भी पड़ी हुई है, कचरा भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं आप? हम इसे लेवल करके इधर खूबसूरत पौधे लगाएंगे ताकि हमारे शहर की इंटरेस्ट जोन से वो खूबसूरत। अभी आपने बताया मुझे कि हम दरख्तों पर भी आप पेंट करा रहे हैं, क्या क्यारियाँ वगैरह बना रहे हैं आप, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत लाला मुसा की एक स्क्रीन बन जाएगी, खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। लोगों जो से हैं आपके साथ भी तावन कर रहे हैं, आप देखें ना वो सामने आपको हमारे लड़के पेंट करते नजर आ रहे हैं वो दरख्तों पर, ऊपर रेड है नीचे व्हाइट जोन सा कर रहे हैं, उस साइड भी कर रहे हैं इस साइड पर भी कर रहे हैं और लोग भी तामन कर रहे हैं लेकिन इतना नहीं करते जितना हम उनसे उम्मीद रखते हैं। ये देखें ये सारी मट्टी ये कचरा उन लोगों का ही फंका हुआ है जिसे हम उठा रहे हैं और हमारे बंदे सुबह से लेकर शाम तक बेलचों की मदद से यानी खुद उठाते हैं, हमारे पास मशीनरी भी नहीं है जिसे हम ये साहब जो फरमा रहे थे वो कह रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत हमारा अमला जो है हमारे साथ मतलब शाना पछाना लगा रहता है और ये सफाइयों कराने में लगे रहते हैं। इसमें वो बता रहे हैं कि ना तो कोई मिनिस्टर आ रहा है ना ही कोई वीआईपी शख्सियत आ रही है, ये हमारा रूटीन का काम है। और मैं यही समझता हूँ कि अगर अली नादर साहब या सेंट्री हमारा सेंट्री इंस्पेक्टर साहब सीईओ बल्दिया लाला मुसा साहब और उनकी टीम जो सी है इसी तरीके से शहर की सफाई सुथराई में काम करते रहें तो हमारे शहर एक खूबसूरत हो जाएगा। मगर इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से अपने नाज़रीन से कि अगर बल्दिया हमारी सफाई सुथराई का इंतजाम कर रही है ख्याल कर रही है तो हमें भी चाहिए कि हमें इनके साथ भरपूर तामल करें, इनका साथ दें और अपने शहर को साफ। तो नाज़रीन इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी है, आपका एंकर राहुल रफीक है। अस्सलाम वालेकुम।